सो हे गाइज वेलकम टू अंदर वीडियो आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी कैंटीन भर्ती दो हज़ार बाईस बाइस के बारे में जी हाँ दोस्तों तो दसवीं पास के लिए बहुत बड़ी फॉर्म जो है वो आ चुकी है मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया वैकेंसी है इसको कैसे अप्लाई करना है क्या क्या रिक्वायरमेंट इसके अंदर चाहिए तो ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे और क्या नोटिफिकेशन में जो चेंजिंग देखने को मिला है ये भी मैं आपको बताऊँगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय लेते हुए वीडियो को देख रहे तो लाइक जरूर कीजिएगा सो सोगा उससे पहले मैं आपको बता दूँ अनकेडमी के बारे में अन अकेडमी यहाँ पर जो बैच लेकर आया है जो कि अगस्तिया जो कि एन के लिए 90 दिन का कोर्स होने वाली है 2022 के लिए एन फर्स्ट के लिए तैयारी अगर कर रहे हैं 90 दिन का कंप्लीट कोर्स है तो जाकर बाय कर सकते हो प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आइकोनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो बम्फर ऑफर इसके अंदर यहाँ पर यह है कि एन का लेते कोर्स तो सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा वो फ्री मिलेगा वो भी एस में इसके साथ साथ यहाँ पर प्रक्रम और यहाँ पर प्रक्रम के अंदर जो आपको मेंटरशिप यहाँ पर जो है वे जो जो पर टीचर देख रहे हैं सुमित सर और अनिस पाठक ये एनअकेडमी डिफेंस वीकली में आपको जो है यहाँ पर दिखेंगे ठीक है वो आपको यहाँ पर मिड द यहाँ पर स्टार जो लिखा गया है ठीक है ये सारा कुछ आप देख सकते हो ये सारा का आपको फीचर देखने को मिलेगा इसके अंदर ये और भी जो है वर्सिफ एन जो वर्सिफ नेवी के लिए बैच जो है रिविजन बैच एक मंथ का ये दो बैच के लिए बारह जनवरी से बारह फरवरी के बीच यहाँ पर चलने वाली है तो ये भी बैच ज्वाइन कर सकते हो इसके अंदर है जिसके फीचर डाउट फीचर और ऑल बेनिफिट ऑफ प्लस जो है वो आपको कोर्स देखने को मिलेगा तो यहां पर बाय कर सकते हो छह मंथ चौबीस मंथ बारह मंथ एक मंथ यहां पर नीचे रेफरल कोड डालना है डी एफ सी टेन अगर आप बाय करोगे तो नीचे हेवर रेफरल कोड जरूर डालना है डी एफ सी टेन इससे आपको टेन परसेंट का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा तो बहुत बड़ी छूट है अगर बाय करना चाहते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आइकोनिक लेना चाहते हैं नीचे दिया गया लिंक है जाकर विजिट करें सो गाइज इंडियन आर्मी के अंदर कैंटीन रिक्वायरमेंट के अंदर जो क्या क्या नोटिफिकेशन में आई है ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ इसके अंदर पोस्ट कितनी है और टोटल पोस्ट कितनी है ये सारा कुछ सबसे पहले इसके अंदर पोस्ट जान लेते हैं सो गाइस सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके अंदर जो यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम के बारे में तो सबसे पहले यहाँ पर बता दें यहाँ पर इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी आई है जो कि ग्रुप सी के अंदर यहाँ पर कैंटिन के अंदर आई है ठीक है नंबर ऑफ पोस्ट या बोल सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है तो पाँच सौ बारह यहाँ पर वैकेंसी है टोटल इसके अंदर तो इसी के अंदर।, अंदर आपको अप्लाई करना पहला पोस्ट इसके अंदर क्या है कैंटीन अटेंडेंट जो कि आपको क्लर्क का काम देखने को मिलेगा फायरमैन जो कि आपको एक्स्ट्रा में जो, जो फायरमैन कहीं आग लग जाता है तो वहाँ पर आपको ज़रूरत के हिसाब से फायरमैन को ही वहाँ पर सेंड किया जाता है ठीक है तो वो यहाँ पर जॉब लगेगा मल्टीटास्क स्टाफ एम जो पूरा क्लर्क होता है उनको देखभाल करने के लिए एक एम का टीम होती है वो करती है और कुकमैन जो कि यहाँ पर ये सारा कुछ मल्टी के अंदर आती है ठीक है खाना बनाने का मेन्यू क्या होता है ये सारा कुछ ये सा, जो है वो एम काम करती है तो यहाँ पर चार तरह का पोस्ट है मैंने चारों तरीक़े से आपको समझा दिया ठीक है तो आप जो भी पोस्ट यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं चूज कर लेना अप्लाई मोड होगी यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन होगी और हु कैन अप्लाई तो ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई करेंगे पूरे भारत के बच्चे इसके अंदर अप्लाई करेंगे पूरे भारत के पीपल अप्लाई करेंगे जेंडर की बात करते हैं तो फॉर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है और दोनों अप्लाई कर सकते हैं कैटेगरी डिफेंस की जॉब होगी जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर होगी तो यहाँ पर चीज़ देख सकते हो एग्जाम लोकेशन ऑल ओवर इंडिया एग्जाम लेवल जो होगा वो टेंथ लेवल बेस्ड एग्जाम पेपर होगा ठीक है और उसका पेपर जो है दो सेक्शन में किया जाएगा उसके बाद यहाँ पर जो है एग्जाम लैंग्वेज होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको देखने को मिलेगा वहीं पे स्केल आपको देख सकते हो चौवन से आपको स्टार्टिंग होगा ट्रेनिंग से और ट्रेनिंग एंड है होते हैं आपको इक्कीस चौरासी रुपये आपको पर मंथ देखने को मिलेगा सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन एग्जाम स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट टेस्ट फिजिकल मेडिकल मेरिट लिस्ट ऑनलाइन एग्जाम में क्या होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आप कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे वहां पर आपका सारा कुछ जो है वो कंप्यूटर uh, पे है आपको एग्जाम देना है स्किल टेस्ट क्या होगा एक स्किल टेस्ट ओ एम आर सीट पर आपको स्किल टेस्ट देना होगा डॉक्यूमेंट टेस्ट क्या होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिजिकल में हाइट मेजरमेंट ये सारा कुछ आपको लिया जाएगा रनिंग किया करवाया जाएगा मेडिकल में पूरा चेकअप होगा मेडिकल आपके बॉडी का और फाइनल मेरिट लिस्ट आपको जारी कर दिया जाएगा उसके बाद यहाँ पर जो है इसके अंदर और भी चीज़ों की जानकारी है कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको जो है कोई फ़ी आपसे नहीं लिया जाएगा और कोई फी यानी कुछ भी फी आपसे नहीं लिया जाएगा क्योंकि पोस्ट ही कम है पाँच सौ बारह पोस्ट है और पाँच सौ बारह पोस्ट में समझ लीजिए कि सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट का होगा ठीक है शॉर्ट लिस्टिंग जैसे जो भी फॉर्म अच्छे तरीके से भरेंगे उन्हीं का एडमिट कार्ड आएगा ये चीज़ होती है शॉर्ट लिस्टिंग अब बात करते हैं इसके अंदर एज लिमिट जो कि सत्रह साल का मिनिमम होना चाहिए और पच्चीस साल मैक्सिमम होना चाहिए ये चीज़ आप देख लेना एज रिलेक्सेसन आप खुद से यहाँ पर देख लेना तीन साल पाँच साल के लिए है और डेट भी मिला लेना इंडियन सिटीजन होना चाहिए आपके पास ठीक है यानी कि आप अंदर जो है वो आप इंडियन का होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पर जो है इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए ओनली फॉर टेंथ पास चाहिए वो भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम स्कूल या फिर कोई किसी भी कॉलेज से हो कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता है, टेंथ में कितना नंबर है ये चीज कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ता है तो यहां पर देख लेना उसके बाद यहां पर बात करते इसके अंदर फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में हाइट जो होना चाहिए वो एक तेरासी से सतासी सेंटीमीटर एक्सपेंड चीनअप आर्ट और रनिंग जो है पाँच किलोमीटर चौबीस मिनट में करना है पड़ेगा ठीक है वही हम बात करते हैं यहाँ पर कब से फॉर्म अपलाइंग स्टार्ट है तो आठ जनवरी दो से फॉर्म जो वो अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं पच्चीस जनवरी दो तक यहाँ पर चलने वाली है तो बहुत सारे बच्चों ने कर दिया गया है यहाँ पर जो है और अगर आप पीछे हो तो ज़रूर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो यहाँ से आपको अप्लाई का यहाँ पर लिंक जो है नजर आता होगा डाउनलोड डाउनलोडमेशन ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर तीनों का लिंक दिया गया अप्लाई ऑनलाइन यहीं से होगा और अप्लाई यहीं से करना है ठीक है तो यहाँ पर मैं इस वेबसाइट का लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा और या फिर गूगल पर भी सर्च कर सकते हो सरकारी गवर्नमेंट वैकेंसी डॉट कॉम या डायरेक्ट भी जा सकते हो तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड नीचे कर दूंगा वहां से जाकर विजिट कर लेना तो इस वीडियो को एंड करते हैं कैसे लगे जरूर बताना और नीचे जरूर कमेंट करके बताना कैसी ये वीडियो लगे और कोई भी प्रॉब्लम आती है अप्लाई करने में तो भेजा आप कमेंट कर सकते हो तो बस आते हैं नेक्स्ट वर्षा तो जय हिंद जय भारत